नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो है वो अपने चरम पर है और इस समय प्रचार के लिए बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक हरियाणा में पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के जीत के लिए नेताओं को जहां आश्वस्त कर रहे हैं, वहीं मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में किस तरह के उलटफेर हो रहे हैं, उसके लिए बात करने के लिए आज मेरे साथ है हरियाणा के दिग्गज पत्रकार बलवंत तक्षक जी। आज उनसे बात करते हैं कि हरियाणा की जो राजनीति है वो विधानसभा चुनाव में किस करवट बैठ रही है। तक्षक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया राजेंद्र जी। तक्षक जी, इन दिनों जो राजनीतिक जो गलियारे हैं उन्हें बड़ी चहल पहल नजर आ रही है, हर दिन कुछ नया हरियाणा में देखने को नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो हरियाणा की कांग्रेस की बात करते हैं हम सबसे पहले जी। तो हरियाणा कांग्रेस की मैं अगर बात करूं तो हरियाणा कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, कहीं ना कहीं देखिए अभी तक तो चुनाव जो है वो अप्रोक्सीमेटली एक वीक उसमें रह गया है, एक हफ्ता उसमें रह गया है जी। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे वो मुख्यमंत्री पद का दावा करते थे, फिर एक ऐसा समय आया कि कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है, और अभी पिछले दिनों जो सुरजेवाला है उन्होंने भी ये दावा किया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इससे जो पार्टी की अंतर्कलह है कहीं ना कहीं सामने आ रही है, वोटर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए राजेंद्र जी, जब कोई राजनीति में पदार्पण करता है तो सबसे पहले उसकी इच्छा होती है कि मुझे पार्टी में कोई पद मिल जाए। बिल्कुल ठीक। फिर उसकी इच्छा होती है टिकट मिल जाए, फिर इच्छा होती है विधायक बन जाए, फिर इच्छा होती है मंत्री बन जाए, और मंत्री बनने के बाद इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री बन जाए। तो हुड्डा साहब तो 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और स्वाभाविक दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे। कुमारी शैलजा पार्टी के अध्यक्ष रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, उनके पिताजी केंद्र में मंत्री होते थे, उनके पिताजी कई बार सांसद रहे और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, चौधरी दलबीर सिंह। तो उनकी ये इच्छा रखना कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? तीसरे, रणदीप सुरजेवाला साहब के पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब मिनिस्टर होते थे हरियाणा सरकार में, हरियाणा पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रणदीप सुरजेवाला साहब, हुड्डा साहब सरकार मंत्री थे, अब राज्यसभा के सदस्य हैं, और ऐसी सूरत में वो भी अगर ये इच्छा रखें, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। ये कोई कलह नहीं है, महत्वाकांक्षी होना कोई बुराई नहीं है जी। हर एक आदमी की इच्छा रहती है राजनीति में आगे बढ़े, तो अंतर कलह वो है जब एक दूसरे को नुकसान करने लगे जी। अब दावा करना तो कोई गलत बात नहीं है, कहीं ना कहीं मतदाताओं को कैसा संदेश पहुंचता है इन सब चीजों से? नहीं, मतदाता को तो देखिए, मतदाता पार्टी जो हाईकमान होता है, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात को काट रहा हूं बीच में से, जो पार्टी हाईकमान होता है वो एक चेहरे पे चुनाव लड़ता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने नायब सिंह सैनी का चेहरा जो है पोर्ट्रे किया लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता था कि भूपेंद्र सिंह जो हुड्डा है वो दावेदार है मुख्यमंत्री पद के, लेकिन जब बीच में से ऐसे सुर उठते हैं तो लोग उसको अंतर्कलह ही मानते हैं मेरे हिसाब से। मैं तो ये कहूंगा राजेंद्र जी, आप जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में जी, तब कांग्रेस ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया, नहीं किया कि मुख्यमंत्री कौन हो। बिल्कुल ठीक है। हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रह गए जी। खट्टर साहब जब पहली बार विधायक बने तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, और लोग मान रहे थे कि भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा है, और अगर भाजपा सत्ता में आती है पहली बार अपने बलबूते पर तो हो सकता है पंडित जी के दाव लगे। लेकिन देखिए राजनीति में स्थिति ऐसी हुई कि 10 साल 9.5 साल चीफ मिनिस्टर है खट्टर साहब, उनके चेहरा अनाउंस नहीं किया गया था, और आज स्थिति है कि जो पार्टी को सत्ता में लेके आए थे रामविलास जी, जिनकी अध्यक्षता में नेतृत्व में पार्टी हरियाणा में सत्ता में आई, उनको टिकट के लाले पड़ गए, इंडिपेंडेंट उन्होंने पर्चा दाखिल किया और पार्टी के दबाव में उनको वापस लेना पड़ा। तो राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और कांग्रेस में जो अंतर्कलह की आपने बात की है, मैं समझता हूँ जब से पार्टी बनी है तब से अंतर्कलह है। पार्टी में हमेशा 2-3 गुट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गुटबाजी की वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आई। कांग्रेस ने लंबे समय तक हरियाणा में राज किया है, गुटबाजी के चलते राज किया है, और ये गुटबाजी ऊपर आला कमान को भी सूट करती है, क्योंकि 2 गुट रहेंगे तो पार्टी आला कमान के पास सब बातें पहुंचती रहेगी जी। बिल्कुल ठीक। अभी कल की बात है कि राहुल गांधी की जो रैली थी जी, उसमें जो ये तीनों नेता थे इनको एक मंच दिया गया, इससे पहले भी बड़ी रैलियों में इनको इकट्ठा किया गया, कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो इनकी कलह है, आपने कलह का जवाब तो दे दिया, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात बैठी है, तो मैं फिर उसकी मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जब स्टेज पे वो इकट्ठे बैठे हैं तो क्या
वो जो मैसेज क्या लोगों को देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं तो वो सब एक दूसरे, क्योंकि दो गुट तो है ही है, ये तो सारे हरियाणा में हर मतदाता को पता है कि शैलजा ग्रुप जो है वो अलग से है और हुड्डा ग्रुप अलग से है, लेकिन एक मंच पर होकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उसको जो हाईकमान है वो ढकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कुमारी शैलजा इस बात पे नाराज नहीं हुई थी कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ, इस पे किसी को एतराज जी, उनकी नाराजगी की वजह थी कि नारनौंद की रैली में किसी व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जी, और वो नाराज होके अपने घर बैठ गई, प्रचार छोड़ दिया, तो जाहिर है पार्टी हाईकमान के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और लोगों के बीच में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता, अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा नेता पार्टी में, वो नाराज है। उससे उस संदेश पब्लिक तक जाने से रोकने के लिए पार्टी हाईकमान ने कुमारी शैलजा से बात की, और जब राहुल गांधी दौरे पे आए असंध में और बरवाला में जी, तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द पार्टी के दोनों नेताओं को खड़ा किया, हुड्डा साहब भी खड़े हुए, मैडम शैलजा भी खड़ी हुई, और वो उसके पीछे एक यही मकसद है कि लोगों तक एक संदेश जाए कि पार्टी एकजुट है, हाई कमान जो आदेश करेगा। देखिए, हुड्डा साहब से पूछा गया आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कहते उन्होंने कहा मैं दावेदार हूँ, स्वाभाविक दावेदार है, तो क्या फैसला होगा, उन्होंने कहा विधायक या पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। रणदीप सुरजेवाला साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मैं दावेदार हूँ, लेकिन पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। और मैडम शैलजा से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मैं दावेदार हूँ, लेकिन विधायक दल का फैसला या पार्टी हाईकमान जो भी तय करेगी वो सबको मंजूर होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो जाहिर है सबके मन में होती है जी। हम चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए आपस में बात कर रहे हैं, मैं भी अगर राजनीतिक पार्टी में किसी में होता तो इच्छा तो मेरी भी सब सब सबकी रहती है। बिल्कुल ठीक। अब मैं पत्रकारिता में तो मेरी इच्छा है कि मैं आज रिपोर्टर हूँ, कल चीफ रिपोर्टर बनूँ, परसों मैं एडिटर बनूँ, चीफ एडिटर बनूँ, ये किसकी इच्छा नहीं होती। जो आदमी जिस फील्ड में है स्वाभाविक है कि वो तरक्की करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मैसेज कुमारी शैलजा के नाराज होने से गया वो पब्लिक ने पता नहीं उसको किस ढंग से ग्रहण किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बांछें गिर गई जी। दलित के साथ अत्याचार हो रहा, दलित का अपमान हो रहा, दलित का अपमान, और खट्टर साहब तो इतने आगे निकल गए कि उन्होंने निमंत्रण दे दिया कि आप भाजपा में आ जाइए। शैलजा मैडम ने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून था, मेरे पिताजी तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं कांग्रेस में थी हूं और रहूंगी। तो फिर खट्टर साहब के उस आमंत्रण का क्या मतलब निकलता है, वो चाह रहे थे कि इस फूट का फायदा हम फायदा उठाए। हाँ, देखिए खट्टर साहब से मुझे एकदम से सवाल मेरे जहन में आता है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और दो रैलियां वो अभी तक कर चुके हैं हरियाणा में, अमित शाह जी भी आए हैं, और बड़ी रैलियां जितनी भी रही हैं उनमें मुझे मंच की बात करूं या मैं पोस्टर्स की बात करूं तो खट्टर साहब नदारद नजर आए, वो कहीं दिखे नहीं। इसके अलावा जब रैली में भाषण भी दिया तो खट्टर साहब का जिक्र भी नहीं आया, हालांकि 9.5 साल जो थे खट्टर साहब वो मुख्यमंत्री रहे हैं स्टेट के, लेकिन उनका जिक्र किसी बड़े नेता ने नहीं किया। क्या कारण है, क्या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास उठ गया है खट्टर साहब से? देखिए, जवाब तो आपने दे दिया है जी। अगर 9.5 साल कोई चीफ मिनिस्टर रहे जी और पार्टी आला कमान की मर्जी से मुख्यमंत्री रहे, अचानक उनको हटा दिया जाए जी, उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं वजह तो थी ओबीसी। देखिए, मेरा मुझे जो लगता है लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी कोशिश ये थी कि ओबीसी वोटर को साधा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बनते नजर आ रहे थे और जातीय समीकरण बड़ा अहम रोल अदा करते हैं चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है कि इस बार जातीय समीकरणों को कहीं ना कहीं साधा जाए, और उन्होंने ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया, जहां तक मेरी समझ मुझे कहती है। आपकी बात ठीक हो सकती है कि लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को भाजपा ने अपनी तरफ खींचने के लिए नायब सिंह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जी। लोकसभा चुनाव हो गए, 10 में से 5 सीटें भाजपा हार गई। अब जब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें तो खट्टर साहब का कहीं ना कहीं तो यूज होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ आपको, 9.5 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा, जिसने कहा कि मैंने इतने अच्छे फैसले किए कि हुड्डा साहब की सरकार के 10 साल के फैसले कोई मायने नहीं रखते उनकी सरकार में, भाजपा की सरकार ने जो फैसले किए वो उन फैसलों को हुड्डा साहब की सरकार से बेहतर मानते, अगर बेहतर है फैसले तो क्यों तो उनका पोस्टर में फोटो नहीं है, बिल्कुल, क्यों उनका भाषण में जिक्र नहीं है जी, और क्यों अमित शाह साहब की या नरेंद्र मोदी साहब की रैलियों में उनको मंच पर आने दिया जा रहा है जी। वो प्रचार जरूर कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं सी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और
एक स्वभाव है, उनको गुस्सा जल्दी आता है। खट्टर साहब का जो गुस्सा है वो ऐसा लगता है जैसे नाक पर बैठा हुआ है। जी जी। अभी उदाहरण आप हिसार का देखिए, हिसार में एक कार्यकर्ता जो वो अपनी जनसभा सी कर रहे थे छोटी सी, उसमें पूछा गया कुछ बोल रहे होंगे तो एक कार्यकर्ता ने कहा जी देखो भाजपा की सरकार तो आ सकती है लेकिन आपका हिसार का उम्मीदवार पक्का हारेगा। ये रील बड़ी वायरल हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि पार्टी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो हम ठीक कर सकें ताकि हमारा उम्मीदवार जीत जाए। आप सुरक्षाकर्मी को यह कह के कि इसको बाहर निकालो, उससे उस उम्मीदवार की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि स्थिति और खराब होगी। लोगों ने गलत संदेश दिया। दूसरा मैं आपको कहूं कि एक बार खट्टर साहब को जब वो रथ यात्रा कर रहे थे पूरे हरियाणा में, कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य थे भारद्वाज साहब, उन्होंने बड़े खुश होकर उनको एक चांदी का मुकुट पहनाने की कोशिश की। वो मुकुट कहीं उनके लग गया होगा उस समय, क्योंकि खट्टर साहब भाषण दे रहे थे, तो जब वो मुकुट पहनाया तो वो पीछे मुड़ के बोले मैं गर्दन काट दूंगा तेरी। भाई कोई आदमी इतना उत्साहित है कि मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट पहना रहा है तो जाहिर है वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आपका समर्थक है, तभी आपने उसको कमीशन का मेंबर बनाया है। लेकिन इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तो गुस्सा खट्टर साहब शायद जल्दी गुस्सा होते हैं और उनको कहा गया होगा कि आप अपने 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 तरीके से जो पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं करें, लेकिन खट्टर साहब का नाम तो अब नायब सिंह सैनी साहब भी अपनी सभाओं में लेना बंद कर लेना बंद कर। तो जाहिर है कि उनकी जो पॉलिसीज थी उनको भी 10-56 दिन के शासन काल में नायब सिंह सैनी ने बहुत सारे फैसले उनके बदले हैं। अगर वो फैसले इतने ही अच्छे होते तो पार्टी लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सत्ता में आ रही होती तो उनको हटाने की क्या जरूरत थी। और एक और बात है, जब नायब सिंह सैनी साहब कहते हैं कि मेरे 56 दिन के फैसले हुडा सरकार के 10 साल के फैसलों पर भारी पड़ते हैं, तो वो 9.5 साल को कहाँ खा जाते हैं? बिल्कुल, खट्टर साहब के 9.5 साल का अहम सवाल है। नहीं, आप जिक्र तो करो, आप उनकी तारीफ तो करो। बिल्कुल, मतलब तारीफ भी नहीं करे, उनका जिक्र भी नहीं करना चाहते। वो 56 दिन बनाम 10 साल का रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एंटी इनकमेंसी है निश्चित तौर, तो ये इसका तो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। जाहिर है, इसीलिए बचना चाहती है भाजपा उनको मंच पर लाने से। दूसरी तरफ मैं फिर से कांग्रेस की बात करता हूँ। कांग्रेस ने आज ही एक काम किया कि जो बागी उनके विधायक थे या बागी जो उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवारी के दावेदार थे, जिन्होंने जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उन सबकी जो प्राथमिक सदस्यता थी वो रद्द कर दी और लगभग 16 या 17 लोग हैं जिनकी सदस्यता अब तक रद्द हो चुकी है। अगर ये इंडिपेंडेंट जीतते और कांग्रेस के साथ जुड़े होते तो इसका फायदा कहीं ना कहीं डायरेक्ट सीधा कांग्रेस को होता। आज अगर कांग्रेस इनकी सदस्यता भंग कर रही है तो क्या उसका कांग्रेस को नुकसान नहीं हो सकता? राजेंद्र जी, मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अच्छे से ध्यान होगा, जब टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी जी, तब कांग्रेस में 2600-2700 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। हाँ जी, टिकट तो 90 लोगों को मिली है। बिल्कुल ठीक है, जाहिर है कि जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, टिकट नहीं मिली तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। मैं भाजपा और कांग्रेस की तुलना करूं तो भाजपा में बगावत ज्यादा थी, कांग्रेस में बगावत कम थी। बिल्कुल ठीक है। इस सब के बावजूद कि 2600-2700 लोगों ने आवेदन किया था और कांग्रेस के लोगों की एक मैं आपको वो बताता हूं कि चुनाव के दौरान टिकटों के अनाउंसमेंट से पहले हर उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जाता है, हर उस आदमी से मिलता है जो टिकट दिलाने में मददगार हो सकता है। तो हुड्डा साहब के कोठी के तो चारों तरफ लोग ही लोग होते थे दिल्ली में। तो क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं टिकट के दावेदार हूँ, मेरे साथ 10-15 समर्थक गए हैं, तो अंदर तो मैं ही जाऊंगा हुड्डा साहब से मिलने, पर उनको ये इंतजार रहेगा बाहर आके वो हमें बताएं कि हुड्डा साहब से क्या बात हुई। राजेंद्र जी, किसी ने कहा हुड्डा साहब ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा था, किसी ने कहा मेरा कंधा थपथपाया था, किसी ने कहा मुझसे हाथ मिलाया था, किसी ने कहा कि नजरें मिला के बात की थी। मतलब हुड्डा साहब ने किसी को टिकट का आश्वासन नहीं दिया, नहीं दिया, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे कि मेरी मुलाकात होगी और मुलाकात अच्छी रही है, मुझसे हंस के मिले हैं, मुझसे हाथ मिलाया है, मेरी पीठ थपथपाई है, मुझसे आंख में आंख डाल के बात की है। तो जब टिकटों की घोषणा हो गई और जो लोग टिकट से वंचित रह गए, जाहिर है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ना था और बहुत सारे लोग मैदान में भी हैं, लेकिन ये एक रूल है पार्टी का कि जो कार्यकर्ता अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतरेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 6 साल के लिए ऐसे लोगों को पार्टी से हमेशा ही निकाला जाता है। लेकिन कांग्रेस को अगर पूर्ण बहुमत मिलता है, जिसकी की उम्मीद है जी, तो कोई जीते, उन्होंने जितने इंडिपेंडेंट होंगे
वो सब जिस राज्य की जिस पार्टी की सरकार होगी उसके साथ आ जाएंगे। कांग्रेस की सरकार होगी तो इंडिपेंडेंट कांग्रेस साथ है, भारतीय जनता पार्टी की बने तो भाजपा के साथ है। अभी भाजपा की सरकार जो अभी तक थी हरियाणा में, जो कैबिनेट के फैसले के बाद उन्होंने विधानसभा भंग कर दी है, उससे पहले भी तो आजाद विधायक पहले खट्टर साहब के साथ थे, फिर नायब सिंह सैनी साहब के साथ लगे, और जब हवा उनको ठीक नहीं लगी भाजपा की तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि पार्टी से आपको निकालना पड़ेगा, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी तो जितने इंडिपेंडेंट जीतेंगे उसके साथ लगते। तक्षक जी, जो भी आपके अनुमान है या जो भी आप बता रहे हैं तो काफी हद तक सही चीजें बता रहे हैं। मुझे एक चीज और बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि ये जो रैलियां हो रही हैं तो कौन सी पार्टी जो है वो अपने मतदाताओं को साधने में कामयाब लगती नजर आ रही है? देखिए राजेंद्र जी, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब दो रैलियां कर चुके हैं जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की भी रैली हो चुकी है जी, नितिन गडकरी जी भी आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। उधर राहुल गांधी जी दो सभाओं को संबोधित कर चुके हैं, प्रियंका गांधी का भी दौरा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आएंगे जी। ये ऐसा दौर है जब मतदाता सबकी सुन रहा है और मतदान तक प्रचार बंद होने तक वो सुनेगा, लेकिन 5 तारीख को सबकी सुनने के बाद 5 तारीख को जो बटन दबाएगा वो अपने मन की बात करेगा, बिल्कुल ठीक, जो उसके मन में है जागरूक है, हाँ सुनेगा सबकी, करेगा मन की, 5 तारीख को अपना फैसला सुना देगा और 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगा कि उन्होंने किस पार्टी के किस नेता की बात पर कितना भरोसा किया है। जो पार्टी सत्ता में आएगी इसका मतलब उस पार्टी के नेताओं पर मतदाताओं ने विश्वास जाएगा, बिल्कुल ठीक जी। सो दोस्तों, आने वाली 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 8 तारीख को यह बिल्कुल सबके सामने आ जाएगा कि किसके सर सजेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री का ताज। दोस्तों, चुनावी चर्चा की अपडेट के लिए देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। आपका हर सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती है और आप देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। तक्षक जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया राजेंद्र, शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।